प्रातःकाल पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर 10 बजे गौचारण लीला का आयोजन किया गया। वृंदावन से आई मंडली के द्वारा भव्य गौचारण लीला की गई। सर्वप्रथम परिषद के संरक्षक श्री नवीन नगर महामंत्री राकेश तिवारी के द्वारा ठाकुर जी की आरती उतार कर लीला का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात शाम 4 बजे पुराने बस स्टैंड के पास गोपाल आश्रम पर ठाकुर जी गौचरण आने के लिए गए और वहीं एकत्रित चतुर्वेद समाज के बंधुओं ने फूलन की बाजूबंद, फूलन की माला, गौ चराए घर आए नंदलाला इस भावना के साथ ठाकुर जी गौचरण कर वापस आए। इस अवसर पर माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक, संरक्षक गण नवीन नगर गिरधारी लाल पाठक, अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष गण मनोज पाठक, संजय अल्पायन, कोषाध्यक्ष कमल चतुर्वेदी, मुकुंद लाल चतुर्वेदी, बैंक वाले आदि अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कल शाम 7 बजे विश्राम घाट पर अक्षय नवमी के उपलक्ष्य में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली, इटावा, आगरा और मथुरा के कवि भाग लेंगे। तथा समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर कवि सम्मेलन में भाग लें। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। देखिए, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गाय चराने की लीला की है। तो ये जो आप देख रहे हैं पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर श्री माधुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में गौचारण लीला का आयोजन हो रहा है और यह मेला आज से प्रारंभ हो गए 26 तारीख तक निरंतर चलेगा। कल अक्षय नवमी के दिन मथुरा की परिक्रमा लगेगी पंचकोसी और शाम को बढ़िया एक कवि सम्मेलन का आयोजन होगा इस पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर ही, और उसके बाद कंस मेले का आयोजन होगा।